नीतीश कुमार अपने क्या काम कर रहे हैं? बिहारियों बिहारी आज तमिलनाडु में बदनाम हो रहे हैं, उनकी हिम्मत हुई कि एक बार डीएम के लोगों से बात करें? किनारे रोज बिहार की इज्जत कम हो रही है। मैं क्या बताऊं, बिहार में लूट, हत्या, अत्याचार और क्या नहीं है, रोज लोग मारे जा रहे हैं। नीतीश जी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की चाहत, संयोजक बनने की चाहत, और कोई पूछ नहीं रहा पीड़ा वहां। इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल है तो फिर इतनी उठाक पटक क्यों है, ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये सवाल है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद उन्हें याद करते हुए नजर आए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़कते हुए भी नजर आए। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी क्या कर रही है ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बिहारी रोज बदनाम हो रहे हैं, बिहारी का मान सम्मान दिन ब दिन घटता जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि किसी से कुछ जाकर कहे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बिहारियों का अपमान होता है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। इसी के साथ इंडिया अलायंस पर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए रविशंकर प्रसाद और कहा कि अगर इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल है तो फिर इतनी उठा पटक क्यों है। नीतीश कुमार कन्वेनर बनने की चाहत रखते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की चाहत रखते हैं, उनकी बस यही पीड़ा है कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संदेश देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, पहले आप वो सुने। आज वो नहीं है तो हम लोग बहुत विनम्रता से उनको याद करते हैं और जिस तरह से उन्होंने देश का स्वाभिमान जगाया ये हम लोग के लिए बहुत अलग। नीतीश जी ने कहा कि उन्होंने अटल जी ने उन्हें सीएम बनाया लेकिन आज अटल जी के कामों को बीजेपी कर नहीं रही है, कहीं ना कहीं आपने नीतीश कुमार अपने क्या काम कर रहे हैं? बिहारियों बिहारी आज तमिलनाडु में बदनाम हो रहे हैं, उनकी हिम्मत हुई कि एक बार डीएम के लोगों से बात करें? किनारे रोज बिहार की इज्जत कम हो रही है। मैं क्या बताऊं, बिहार में लूट, हत्या, अत्याचार और क्या नहीं है, रोज लोग मारे जा रहे हैं। नीतीश जी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की चाहत, संयोजक बनने की चाहत, और कोई पूछ नहीं रहा पीड़ा वहाँ। कह रहे मुझे कुछ नहीं बनना, इच्छा नहीं है, कह रहे इच्छा नहीं है मेरी कुछ बनने की। ऐसा है, ऑल इज वेल है तो इतना उठा पटक क्यों है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिन से चला है। बिहार और देश नरेंद्र मोदी को चाहता है, फिर बनाएंगे प्रधानमंत्री और बड़े बहुमत से बनाएंगे। और नीतीश जी आपको और आपके मित्रों को एक ही बात कहूंगा, नो वैकेंसीज देयर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम, नो वैकेंसीज देयर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम साफ तौर पर कहते हुए नजर आए पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2024 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं क्योंकि बिहार और देश की जनता चाहती है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आए और वैसा ही होगा। इसी के साथ इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, सुना आपने। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।